हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आप लोगों के साथ एक वेट लॉस का टॉपिक शेयर कर रही हूँ कि आप अपने लव हैंडल्स यानी कमर के पास की जो साइड्स में मोटी मोटी सी आपके लव हैंडल्स जम गए हैं यानी कमर की चर्बी बढ़ गई है, उसे आप कैसे मेल्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हमारा पेट अच्छे से क्लीन नहीं होता यानी हमारे आंतों में बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो हमारे पेट के आसपास का एरिया बढ़ने लगता है यानी कमर मोटी होने लगती है, पेट निकलने लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अपना पेट क्लीन करना है, देन उसके बाद वहाँ की चर्बी को मेल्ट करना है। तो आज ये ड्रिंक स्पेशली इसीलिए है कि वो आपके कमर के आसपास का जितना भी जो है वो फैट है उसे मेल्ट करेगा, वहाँ के लव हैंडल्स को कम करेगा और आपकी जो कमर है वो स्लिम होगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको एक कप पानी चाहिए, बड़ा वाला कप, यानी कि अगर आपका छोटा कप है तो उसके दो कप। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा कप पानी ले रही हूँ और मैं ml से बताऊँ तो 250 ml मैं यहाँ पे पानी लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन टी, वो भी लूज़ वाली, जो लूज़ वाली होती है खुली पत्ती वाली, यानी कि आपको शैशड वाली नहीं लेनी। आप शॉप पे बोलोगे कि हमें लूज़ वाली या खुली वाली ग्रीन टी दीजिए, वो आपको दे देगा। तो ये आपको लेना है और इसके बाद आपको दो चम्मच से थोड़ा सा खाली, तो अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो डेढ़ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, तो पूरा फुल दो चम्मच आपको नहीं लेना है, दो चम्मच से थोड़ा सा कम। तो दो चम्मच से थोड़ा सा कम आप इसमें ग्रीन टी डालोगे। देन उसके बाद आपको इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डालना है और वो है काली मिर्च का पाउडर। you know कि काली मिर्च हमारी बॉडी को कितने अच्छे से क्लीन करती है और जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है उसे पूरी बहुत तेज से कर देगी जैसे ही आप ये ड्रिंक पियोगे। तो हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम लेना है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा लो क्वांटिटी में ही लीजिएगा ब्लड सर्कुलेशन। और 1 टेबल स्पून भर के अदरक डालिए और इसके बाद इसे ऐसे ही बॉयल होने दीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगी ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो आपकी जितनी भी फैट जमा है वो तेज़ी से मेल्ट होगा, आपके कमर के आसपास का एरिया का फैट मेल्ट होगा जिससे कि आपके जो लव हैंडल्स हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ की जो फैट है वो पिघलेगा। और सबसे अच्छी बात है मेटाबॉलिक रेट हाई होगा जैसे ही आपने कुछ भी खाया, इसलिए मैंने इसको बोला है कि आप डिनर के बाद लीजिए और लंच के बाद लीजिए, हो सके तो ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, जिससे कि आपने जो कुछ भी खाया है जैसे ये अंदर जाएगा, जो कुछ भी आपने के पेट में रखा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज़ होगा कि ये पूरा उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, आपकी बॉडी के में ही ये काम करने में लगा देगा। यानी कि जैसे बोलते हैं जैसे हमारी बॉडी थोड़ा सा सो जाती है, लेकिन जैसे ये ड्रिंक जाएगा ये पूरी तरह से जाग जाएगी, पूरा जितना भी खाना खाया है उसका जो भी कैलोरीज है वो आपकी बॉडी को मेंटेन होने में ही लगा देगी। और मेन यही है कि इसी से फैट नहीं चढ़ता है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी उनको फैट नहीं चढ़ता और जो लोग कम खाते हैं लेकिन उनको फैट चढ़ जाता है, तो ये ड्रिंक वही काम करेगा कि आप चाहे जितना खाएं आपका वज़न जो है और नहीं बढ़ेगा। और बहुत अच्छे से ड्रिंक पीजिए और मैंने कैसे पीना है, कब लेना है ये वीडियो में मैंने आगे बताया है। और इस तरह से इसे थोड़ी देर रहने दीजिए यानी सब चीज़ें इन्फ्यूज़ हो जाएं और उसके बाद आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है और इस तरह से आपका ये ड्रिंक रेडी है। कैसे लेना है, कब लेना है वो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और ये इसका कलर ऐसा आया है, सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रिंक है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बहुत ही इजी टू मेक है और बहुत ही अफोर्डेबल है और ये आपके पेट को बहुत अच्छे से क्लीन भी करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी इसे खाली पेट मत लीजिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको बढ़ा देगा। और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहती हूँ, चाहे ग्रीन कॉफ़ी हो चाहे ग्रीन टी हो, कभी भी खाली पेट मत लीजिएगा वरना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है तो वो आपको हो जाएगी और परमानेंट के लिए हो जाएगी। और जिस दिन अगर आपने ले लिया उस दिन आप पूरा दिन परेशान रहने वाले हो गैस की प्रॉब्लम से, तो कभी भी खाली पेट मत लीजिएगा। और इस ड्रिंक को आपको एक तो लंच के बाद लेना है, डिनर के बाद लेना है, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और आप मतलब कमर की चर्बी को बहुत तेज़ी से मेल्ट करना चाहते हो तो आप इसे 3 बार कर दीजिए, यानी कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर।
मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी हाई करता है, जिससे कि आप जो भी खाते हो तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड चीज़, आपके पेट को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। थर्ड चीज़, जो भी लव हैंडल्स हैं और पेट के आसपास जितनी भी, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो।